करें। और पुस्तक जो पुस्तक के तीसरे सूत्र की मांग है उसको यह मुक्त द्वार प्रणाली पूर्ण करती है। तथा उसके बाद में हमने देखा कि लोकप्रिय विभाग की स्थापना, जिसमें हमने समाचार पत्र कक्ष और पत्रिका कक्ष, तो इन दोनों पे चर्चा की थी। तीसरा है, देखा था विस्तार सेवा, जिसमें प्रचार और प्रसार के माध्यम से पुस्तक तक पाठक को आकर्षित करने के देखे थे। और चौथा था अनुपयोगी पुस्तकों का प्रदर्शन, जिसमें किसी भी रैक पुस्तकालय की, किसी भी जो अनुपयोगी पुस्तकें हैं उनकी रैक पर पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह लिख दिया जाता था, लिख दिया जाता है कि ये पुस्तकें भी आपके लिए उपयोगी हो सकती है। इसी तरह से हमें चौथे सूत्र में विशेष महत्व था समय का, पाठक का समय कैसे बचाया जाए। तो रंगनाथन महोदय ने कुछ बिंदु बताए हैं, वर्गीकरण, सूचीकरण, पाठक दीक्षा और आधुनिक तकनीक का प्रयोग। तो इस तरह से हमने तीसरा और चौथे सूत्र को कंप्लीट किया था। तो आज हम बात करेंगे पुस्तकालय विज्ञान का पांचवा सूत्र, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। पांचवा सूत्र है पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, रंगनाथन महोदय का यह पांचवा सूत्र पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। यह मैन जो सूत्र है वह विकास विकास की बात करता है। मुख्य फोकस इसका विकास पर रहता है कि पुस्तकालय का विकास किस प्रकार हो। पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है तो इसमें डॉक्टर रंगनाथन महोदय का मुख्य बिंदु पुस्तकालय का विकास कैसे हो, पाठक पुस्तक कर्मचारी, पुस्तकालय के मुख्य तीन घटक हैं। तो इन तीनों तत्वों के विकास को क्या हम पुस्तकालय का विकास मानेंगे, तथा क्या इन तीनों घटकों की वृद्धि ही पुस्तकालय के विकास में वृद्धि है, तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम आगे देखते हैं कि पहला डॉक्टर रंगनाथन महोदय कहते हैं कि यह पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, जिसमें यह पुस्तकालय के विकास की बात पर जोर देता है। यह जो सूत्र है वह पुस्तकालय के विकास की बात पर जोर देता है। तथा यह पांचवा सूत्र मौलिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में, मौलिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में प्रबंधन, नियोजन तथा संगठन, तीन शब्द आए हैं हमारे पास में, प्रबंधन, नियोजन और संगठन। डॉक्टर रंगनाथन महोदय कहते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान का जो पांचवा सूत्र है वह मौलिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में प्रबंधन, नियोजन तथा संगठन से पुस्तकालय का
नियंत्रण करता है। प्रबंधन नियोजन और संगठन से नियंत्रण करता है। डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने पुस्तकालय विज्ञान का जो पांचवा सूत्र है, जिसमें पहला स्टेटमेंट दिया कि यह विकास की बात करता है, तथा दूसरा उन्होंने कहा कि पुस्तकालय विज्ञान का जो पांचवा सूत्र जो मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, जिसमें वह प्रबंधन नियोजन और संगठन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और इसको वह नियंत्रित करता है, तथा उन्होंने एक पांचवे सूत्र के संबंध में एक कथन और कहा है, जिसको हम देखते हैं कि यह पुस्तकालय विज्ञान का जो पांचवा सूत्र है, यह पुस्तकालय विज्ञान का जो पांचवा सूत्र पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है, जिसमें जिसकी तुलना जीव विज्ञान के एक सिद्धांत जीव एक वर्धनशील प्राणी है, डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने इस सूत्र की तुलना जीव विज्ञान के एक सिद्धांत जीव एक वर्धनशील प्राणी है से की है। अर्थात जिस तरह से जीव का निरंतर वृद्धि होगी, उसी तरह पुस्तकालय विज्ञान का जो पांचवा सूत्र पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है, तो वह भी जीव की भांति ही, जिस तरह से यह सिद्धांत सार्वभौमिक है, अपने आप में सत्य है, उसी तरह से पांचवा सूत्र पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है, यह भी सार्वभौमिक है। तथा डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने, अब हम देखें कि इस शब्द में लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, जबकि हमें अच्छी तरह पता है कि संस्था का अंग्रेजी रूपांतरण ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने ऑर्गेनिज्म शब्द का ही प्रयोग क्यों किया? क्योंकि पिछली बार राजस्थान लाइब्रेरियन 2016 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है, तो उन्होंने ऑप्शन में रख दिए थे ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म, इस तरह से ए या बी दोनों। तो हमें इस शब्द को ही उन्होंने क्यों महत्व दिया, तो उसको हमें समझना है कि ऑर्गेनाइजेशन को यूज ना करके उन्होंने ऑर्गेनिज्म शब्द को ही क्यों प्रयोग में किया। तो उन्होंने एक तो यहाँ पे वर्धनशील प्राणी बताया, जीव एक वर्धनशील प्राणी है, जिस तरह से यह पांचवा सूत्र अपने आप में मौलिक है, तथा यह ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म से तात्पर्य उन्होंने यहां जीव से लिया है। पूछा जाता है कि ऑर्गेनिज्म शब्द से अभिप्राय है, तो यहां पे जीव से। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुस्तकालय में निरंतर सामग्री को बढ़ावा मिलता है, धीरे धीरे पुस्तकालय की पाठ्य सामग्री में वृद्धि होती है, उसी तरह धीरे धीरे इसमें पुरानी पाठ्य सामग्री का निष्कासन भी होता रहता है। इसी तरह उन्होंने यहाँ पे एक उदाहरण दिया कि कोई भी जीव
जब तक जीवित रह सकता है, जब तक जीवित रह सकता है तब, जब तक जीवित रह सकता है तब तक वह नई कोशिकाओं का निर्माण रंगनाथन महोदय ने कहा कि कोई भी जीव जब तक जीवित रह सकता है तब तक वह नई कोशिकाओं का निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं को, पुरानी कोशिकाओं हटाता रहता है। अर्थात डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था शब्द को ना लेकर के उन्होंने ऑर्गेनिज्म शब्द का प्रयोग किया, जिसमें ऑर्गेनिज्म से तात्पर्य उन्होंने जीव से दिया तथा पुस्तकालय की पाठ्य सामग्री में निरंतर वृद्धि के साथ साथ में उसका उपयुक्त निष्कासन भी होता रहता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी की ग्रोथ उसी तरह से होगी जिस तरह से कोई भी जीव तब तक जीवित रहता है, वह जब तक वह नई कोशिकाओं का निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं को हटाता है। इसी तरह से आगे हम बात करते हैं कि पुस्तकालय का विकास किस तरह से होगा, उसका वृद्धि किस तरह से होगी। अभी हमने देखा कि डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने पुस्तकालय विकास के तीन तत्व दिए हैं। उन्होंने पुस्तकालय विकास में तीन तत्व बताए हैं, पाठक, पुस्तक और कर्मचारी। इन तीनों को पुस्तकालय सेवा की त्रयी कहा जाता है। पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति। प्रश्न आता है कि पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में पाठक, पुस्तक, कर्मचारी या पुस्तकालय, पाठक, कर्मचारी, इस तरह से ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि हमारा सही आंसर रहेगा पाठक, पुस्तक और कर्मचारी का। हमने अब तक पढ़ा कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, जिसमें डॉक्टर रंगनाथन महोदय कहते हैं पुस्तकालय विज्ञान का यह पांचवा सूत्र हमें विकास की बात करता है तथा यह जीव विज्ञान के उस सिद्धांत की तरह है, जिस तरह से जिसमें जीव एक वर्धनशील प्राणी है तथा उन्होंने वर्धनशील प्राणी है तथा जीव जब तक जीवित रह सकता है तब तक वह नई कोशिकाओं को ग्रहण करता है तथा बनाता है, निर्माण करता है तथा पुरानी कोशिकाओं को वह हटाता रहता है। अब हम बात करते हैं पुस्तकालय विकास पर। इस पांचवें सूत्र का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बात करते हैं पुस्तकालय विकास के प्रकार की। कि पुस्तकालय का विकास किस प्रकार से होता है, तो हमारे सामने कई बार किसी भी लाइब्रेरियन के एग्जाम में कम अब तक करीब 40 से 50 बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो पुस्तकालय विकास के दो प्रकार बताए हैं, बाल विकास और वयस्क विकास। वयस्क विकास,
पुस्तकालय विकास के दो प्रकार है, एक बाल विकास और एक वयस्क विकास। अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड ग्रोथ तथा एडल्ट ग्रोथ, इस तरह से हमें यह पता है कि सभी पुस्तकालय अपनी प्रारंभिक अवस्था में बाल विकास में रहते हैं तथा धीरे धीरे वह वयस्क अवस्था में होते जाते हैं। तो इससे तात्पर्य हमें सबसे पहले बाल विकास पर देना है कि बाल विकास है क्या, यह हमारे सामने प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, हम बात करेंगे बाल विकास और वयस्क विकास पर, उससे पहले एक प्रश्न पूछा जाता है कई बार राष्ट्रीय ग्रंथालय किस विकास में रहता है। हमारा एक हमारे सामने प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रंथालय किस विकास से संबंधित है। पहला ऑप्शन रहता है वयस्क, वयस्क विकास। दूसरा ऑप्शन रहता है बाल विकास। तीसरा ऑप्शन रहता है अ व ब, दोनों, पहला और दूसरा दोनों, या दोनों ही नहीं। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ग्रंथालय किस विकास से संबंधित है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि पुस्तकालय प्रारंभिक अवस्था में बाल विकास में की अवस्था में रहता है तथा धीरे धीरे वह वयस्क अवस्था में चला जाता है। तो हमारा यहाँ पे कि राष्ट्रीय ग्रंथालय किस विकास से संबंधित है, अगर हम रटने की बात करें तो हमें यह कई गाइडों में पढ़ने को मिलता है बाल विकास की अवस्था में रहता है। किंतु यह बाल विकास अवस्था में ही क्यों रहता है, तो इसके बारे में हम पहले बाल विकास की चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम वयस्क विकास की चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम समझेंगे कि राष्ट्रीय पुस्तकालय को ही हम बाल विकास में क्यों रखते हैं, या यह बाल विकास में ही क्यों रहता है, यह वयस्क अवस्था वयस्क विकास को क्यों नहीं आता, वयस्क विकास में क्यों नहीं बदलता। तो हम बात करेंगे अभी बाल विकास की। बाल विकास हम देखें तो बाल विकास से हमारा तात्पर्य, पहला हम पढ़ते हैं बाल विकास, बाल विकास से हमारा तात्पर्य दृष्टिपूरक है। प्रश्न भी आता है कि बाल विकास है दृष्टिपूरक, दृष्टिपूरक नहीं, संरक्षित या किस तरह से। तो हमारा सही आंसर रहता है यह एक दृष्टिपूरक है। तो हम दृष्टिपूरक की बात करें तो यह बात करता है भवन निर्माण की तथा पुस्तकालय में पुस्तकों की वृद्धि तथा कर्मचारी में वृद्धि, क्योंकि बाल विकास दृष्टिपूरक है और ग्रंथालय यानी कि पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है,
जिसमें बाल विकास को हम कहेंगे कि यह दृष्टिपूर्वक है, जिसमें भवन निर्माण एक बार ही होगा तथा धीरे धीरे उनमें पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या में वृद्धि होगी तो भवन निर्माण में भी हमें वृद्धि करनी होगी। और जिस तरह से पुस्तकालय में पुस्तकों की वृद्धि, भवन निर्माण में वृद्धि, तो उसी तरह से कर्मचारियों में वृद्धि भी निरंतर होगी। और दूसरा विकास है हमारा वयस्क विकास। वयस्क विकास दृष्टिपूर्वक नहीं है। दृष्टिपूर्वक नहीं है, यह पुस्तकालय में यह विकास पुस्तकालय के गुणवत्तापूर्ण संसाधनों की तरफ संसाधनों पर जोर देता है। वयस्क विकास यह दृष्टि पूरक नहीं है, या अर्थात यह पुस्तकालय में गुणवत्तापूर्ण संसाधनों पर ध्यान देता है, जैसे पुस्तकालय में आधुनिक तकनीक का प्रयोग कैसे हो, तो या पुस्तकालय में कर्मचारियों के कार्य का आवंटन कैसे हो, या पुस्तकालय में पुस्तक का चयन किस प्रकार से हो, अर्थात कि यह पुस्तकालय में होने वाली समस्त गुणवत्ता को ध्यान में देता है, तो यह वयस्क विकास है। तो हम बात करें राष्ट्रीय पुस्तकालय की, कि राष्ट्रीय पुस्तकालय बाल विकास में ही किस तरह से है। तो हमने अभी देखा कि बाल विकास में पुस्तकालय भवन का निर्माण हो, या पुस्तकों की संख्या में वृद्धि हो, या कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो, तथा वयस्क विकास उसकी गुणवत्ता पर जोर देता है, तथा पुस्तकों की जो अनुपयोगी पुस्तकें हैं उनको बाहर निकालने में, क्योंकि वह पुस्तकालय की गुणवत्ता में ध्यान देता है, बाहर निकालने का भी कार्य करता है। तो इसी तरह से हम देखें कि हमारा राष्ट्रीय ग्रंथालय हमेशा बाल विकास की श्रेणी में रहता है, क्योंकि राष्ट्रीय ग्रंथालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री हमेशा संरक्षित रहती है, उसे उन पुस्तकों की विदाई नहीं की जाती। वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय ग्रंथालय में लगभग 26 लाख पुस्तकों का संग्रह है। तो यह राष्ट्रीय ग्रंथालय हमेशा भावी पीढ़ी के लिए इन धरोहर को, पुस्तकालय में ज्ञान के खजाने को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित का कार्य करती है, अर्थात उनके संग्रह में करती है। कोई भी यहाँ की पुस्तक उसे अनुपयोगी समझ करके, या वह जिस अवस्था में है, किसी भी अवस्था में है, तो उसको संग्रहित संरक्षित किया जाएगा। जैसे हम बात करें 1963 के पहले के दस्तावेजों की, या पुस्तकों की, या पाठ्य सामग्री, तो उन्हें वेयर स्टैक रूम में संग्रहित, या अर्थात संरक्षित रूप में रखा है, तथा 1963 के बाद के पब्लिकेशन या फिर
वहां की पाठ्य सामग्री हमारे राष्ट्रीय ग्रंथालय में वर्तमान में उपयोग के लिए है। तो अन्य हमने बात की कि अन्य जो भी पूछा जा सकता है कि सार्वजनिक पुस्तकालय किस विकास पर बात करता है, विद्यालय पुस्तकालय किस विकास पर बात करता है, किस प्रकार के विकास से संबंधित है, तो अन्य सभी राष्ट्रीय पुस्तकालय को छोड़कर के अन्य सभी पुस्तकालय बाल विकास और वयस्क विकास दोनों से ही संबंधित रहेंगे। तो इस बात पर विशेष ध्यान रखें। अब हम आगे देखते हैं कि यहां तक होने के बाद में डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है जिसमें पाठक, पुस्तक और कर्मचारी को तीनों को ही वर्धनशील मानना है और पुस्तकालय में निरंतर वृद्धि को नियंत्रित करना। हमने अभी पहले शुरुआत में ही देखा था कि नियोजन, प्रबंधन और संगठन करना पांचवें सूत्र से संबंधित है। तो हमें पाठकों की वृद्धि, पुस्तकों की वृद्धि और कर्मचारियों की वृद्धि, इस सूत्र में पुस्तकालय विकास के ये अहम तीन बिंदु है तो हमारा उन्होंने दिए हैं। तो हम बात करते हैं, पहला बिंदु जो है वह पुस्तकों की संख्या में वृद्धि। हम पहला ही उनका टॉपिक लेते हैं, उन्होंने उपाय बताया है पुस्तकों की संख्या में वृद्धि। पहला उन्होंने उपाय बताया कि पुस्तकों की संख्या में वृद्धि। तो हम इस बिंदु को समझने से पहले हम बात करते हैं कि पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या में वृद्धि होगी तो हमें सबसे पहले पुस्तकालय के भवन निर्माण में की योजना को हमें देखना होगा। तो यहाँ पे हमारा पहला बिंदु रहता है पुस्तकालय भवन निर्माण। डॉक्टर रंगनाथन महोदय कहते हैं कि पुस्तकालय भवन का निर्माण इस तरह से हो कि पुस्तकालय के विस्तार में कोई भी समस्या ना आए, जैसे उसकी नींव को गहराई से दी जाए, पुस्तकालय भवन की नींव गहराई से दी जाए जिसके पुस्तकालय भवन के निर्माण में कोई भी समस्या ना आए। तो उसके लिए उन्होंने पहला दिया भंडार नुमा टावर कक्ष, कि पुस्तकालय में पुस्तकों की वृद्धि होने पर पुस्तकालय में भवन निर्माण, भंडारनुमा टावर कक्ष तथा गोदाम नुमा कक्ष, गोदाम नुमा कक्ष। तो हमें पहले हम देखते हैं कि भंडारनुमा कक्ष क्या था। डॉक्टर रंगनाथन महोदय कहते हैं कि पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या में वृद्धि होगी तो हमें पुस्तकालय के भवन में भी, निर्माण में भी वृद्धि करनी होगी। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा कि पुस्तकालय भवन की नींव ही इस तरह से रखी जाए गहराई में कि वह मजबूती से टिका रहे, तथा उन्होंने उसमें कहा कि पुस्तकों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो भंडारनुमा टावर कक्ष से तात्पर्य कि एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल, अर्थात उन्होंने यहाँ पे एक सूत्र दिया था न्यूनतम स्थान में अधिक पुस्तकें। कम स्थान में
अधिक पुस्तकें रखी जाए, तो वहां पे भंडार नुमा टावर कक्ष का निर्माण किया जाए, एक के मंजिल के बाद में दूसरी मंजिल, दूसरी से तीसरी मंजिल, इस तरह से उनका, और उनका मुख्य उद्देश्य था कि न्यूनतम स्थान में अधिक से अधिक पुस्तकों का संग्रह हो तथा उनका पाठक लाभ ले सके। तथा उन्होंने दूसरा कहा कि गोदाम नुमा कक्ष की भी अगर पुस्तकालय में पुस्तकों की अत्यधिक मात्रा है तो हमें एक टेम्परेरी रूप में गोदाम नुमा कक्ष भी निर्माण करना चाहिए। अगर हम बात करें तीसरे सूत्र की, तो यह गोदाम नुमा कक्ष तीसरे सूत्र की अवहेलना करता है, क्योंकि पुस्तकों का हम भंडारित रूप में रखने का वह विरोध करता है कि पुस्तकें पाठक पुस्तक को पाठक तक पहुंचे, यानी कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। अगर हम पुस्तकों को गोदाम में बंद करके रखते हैं, लॉकर में, तो यह तीसरे सूत्र की अवहेलना की बात करता है। तो डॉक्टर रंगनाथन महोदय कहते हैं कि हम इस जगह पे एक बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। वह बीच का रास्ता कौन सा है? तो उन्होंने पहले तो हम ये देखें कि गोदाम कक्ष है क्या। गोदाम कक्ष में हम पुस्तकों के संग्रह के लिए पुस्तकों को रखते हैं, तथा अलमारियों में, जैसे लोहे की अलमारियां या रैक्स हैं, तो उनको उसी में रखा जाता है। डॉक्टर रंगनाथन महोदय कहते हैं कि अलमारियों के नीचे लोहे के पहिए रखे जाए, जिससे पुस्तकालय में इन पुस्तकों की आवश्यकता हो, आसानी से हम उन्हें बाहर ला सकते हैं। अध्ययन कक्ष में या जो हमारा कक्ष है लाइब्रेरी, उसमें हम पुस्तकों को गोदाम कक्ष से ला सकते हैं। तो यह तीसरे सूत्र की अवहेलना करता है। तो डॉक्टर रंगनाथन महोदय हमें यहाँ पे एक बीच के रास्ता भी बताते हैं कि इस गोदाम नुमा कक्ष में क्यों ना वही पुस्तकें रखी जाए जो हमारे पुस्तकालय में ऑलरेडी 10 से 15 है पुस्तकें हो, या एक ही प्रकार की पुस्तकें जो 100 या 200 है पाठकों की मांग के अनुरूप। अगर हमने पुस्तकालय में एक ही प्रकार की किताबें 100 या 200 या 10 या 20 या 50 प्रकार 50 पुस्तकें एक ही प्रकार की मंगवा रखी है, तो हम पुस्तकालय की रैक में इनमें से दो चार या पांच पुस्तकों को ही हम उस रैक में रखें, बाकी की जो अन्य पुस्तकें हैं वह हम इस गोदाम कक्ष की रैक में रख सकते हैं। जैसे ही इस रैक में से पाठक उन पुस्तकों को प्रदान कर लेता है, तो हम इन पुस्तकों को यहाँ पे धीरे धीरे ला करके रखते जाएंगे। पहला उनका यह बीच का रास्ता था, तथा दूसरा उन्होंने कहा कि क्यों ना जो पुस्तकें, जिन पुस्तकों का संस्करण नवीनतम आ चुका है, उनको इस जगह पे रैक में रखी जाए जहाँ पे मुख्य लाइब्रेरी है, और बाकी जो दूसरा या तीसरा या चौथा, जैसे पहले से संस्करण से लेकर के दूसरे जो संस्करण है एडिशन आ चुके हैं, तो नवीनतम संस्करण को इस पुस्तकालय की रैक में रखा जाए, तथा बाकी के जो अनुपयोगी संस्करण है वो इस गोदाम नुमा कक्ष में रखा जाए। जब हमारे पास से नए संस्करण पाठक तक पहुंच जाए, या पाठक की मांग हो कि हमें पुराना संस्करण चाहिए, तो हम यहाँ से उसे इस रैक में उपलब्ध करवाएंगे। तथा तीसरा उन्होंने कहा कि जैसे पुस्तकालय स्कूली पुस्तकालय है, तो या महाविद्यालय शैक्षणिक पुस्तकालय है, तो जिसमें पाठ्य सामग्री का निरंतर बदलाव होता है, या वह पाठ्य सामग्री पुरानी हो चुकी है, तो हम उस पाठ्य सामग्री को
इस गोदाम नुमा कक्ष में संग्रहित कर सकते हैं या इसमें हम रख सकते हैं। गोदाम नुमा में हम रख सकते हैं तथा इसको समय समय पर हम आवश्यकता पड़ने पर यहाँ जो अलमारियों में पुस्तकें व्यवस्थित है तो उनको आसानी से हम पुस्तकालय कक्ष में ला सकते हैं। तो हम इससे आगे बात करें हमारी, तो तीसरा उन्होंने कहा है कि पुस्तकालय भवन निर्माण में पुस्तकालय का आसान से विस्तारण हो, यह हमें समझना होगा कि पुस्तकालय भवन निर्माण में उन्होंने कहा पहला भंडारनुमा टावर कक्ष हो, दूसरा गोदामनुमा कक्ष हो और तीसरा कहा कि आसान विस्तारण हो। तो पुस्तकालय का भवन का विस्तार या तो ऊर्ध्वाधर या समानांतर। डॉक्टर रंगनाथन महोदय कहते हैं कि पुस्तकालय का विस्तार इस तरह से हो कि या तो वो समानांतर हो या ऊर्ध्वाधर हो स्थिति में हो, जिससे कि पुस्तकालय के भवन में विस्तार में किसी प्रकार की समस्या ना हो। अगर पुस्तकालय गोलाकार है तो उसका हम विस्तार नहीं कर सकते। तो डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने बताया कि पुस्तकालय में भवन के निर्माण में हमें आवश्यक ध्यान रखना है, तो उन्होंने यहाँ पे वास्तुकार इंजीनियर तथा पुस्तकालय अध्यक्ष इन तीनों को महत्वपूर्ण माना है। इनकी भूमिका पुस्तकालय भवन में महत्वपूर्ण है, वास्तुकार की, इंजीनियर की तथा पुस्तकालय अध्यक्ष की। आसान विस्तारण हो तथा इनका जो फर्श है, पुस्तकालय का जो फर्श है वह समतल हो। तो यहाँ पे हमें इन तीन टॉपिक पर चर्चा की, और समतल इसलिए हो कि पुस्तकालयों की जो रैक है या पुस्तकों के आदान प्रदान में पाठक को किसी प्रकार की समस्या ना हो तथा पुस्तकों के सही व्यवस्थापन में फर्श का महत्वपूर्ण योगदान है। तो हमें और पुस्तकालय का विस्तारण ऊर्ध्वाधर या समानांतर हो तथा हम आगे बात करें आगे बात करते हैं यहां तक बात हुई हमारी पुस्तकालय भवन की, पुस्तकालय भवन की। अगर हमारी पुस्तकों की संख्या में वृद्धि होती है तो हमें सबसे पहले बात की पुस्तकालय भवन की वृद्धि में, तथा उसके बाद में हम देखते हैं कि पुस्तकालय की रैक। पुस्तकालय की रैक्स, तो अब हम बात करते हैं पुस्तकालय की रैक्स की। तो पुस्तकालय के भवन के विस्तार के साथ साथ हमें पुस्तकालय में उपलब्ध रैक्स की भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पुस्तकों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो क्या हम इन पुस्तकालय के रैक्स में भी वृद्धि कर रहे हैं, या फिर इनकी में पुस्तकों के व्यवस्थापन में जिस तरह से हमें छोटी या बड़ी पुस्तकों की तरह से व्यवस्थित करना है तो क्या हम पुस्तकालय की रैक्स में वो कर पा रहे हैं। जिस तरह से उदाहरण आता है हमारा चल लेबल निदानी, चल
लेबल निदानी। तो क्या हम पुस्तकों के लेबल की बात करें तो स्टिकर्स की, तो पुस्तकालय में जो रैक्स लगी है उन पर जो लगे स्टिकर है तो वह किस प्रकार से लगे हैं? जैसे चल निभाने की बात करें तो लोहे के, जिन्हें हम आसानी से आगे पीछे सरका सकते थे, पुस्तकें वहां से हटने के बाद में उस जगह पे खाली कार्ड को रख दिया जाता था, या हमें जिस प्रकार से भी पुस्तकालय की रैक की व्यवस्था करनी है तो उनमें हमारी पुस्तकों के साथ साथ में इस रैक का भी हमें ध्यान रखना होगा। अब हम आगे बात करते हैं पत्रिका की या फिर पत्रिका टेबल की। पत्रिका कक्ष, जिस तरह से पुस्तकालय में पुस्तकों की वृद्धि होगी तो उसमें हमें पत्रिका कक्ष तथा चौथा हमारा है पत्रिका टेबल। पुस्तकों की संख्या में वृद्धि है तो हमें पत्रिका कक्ष में भी पत्रिका की तरफ ध्यान देना होगा कि पत्रिका कक्ष में कितने प्रकार की, जैसे जैसे पुस्तकों की संख्या में वृद्धि होगी उसी प्रकार से पत्रिका कक्ष में भी पत्रिकाओं की भी वृद्धि होगी। और पत्रिका टेबल में हमें पत्रिका, जैसे जैसे पत्रिका में वृद्धि हो रही है तो हमें पत्रिका टेबल में कितने प्रकार के खाने हैं या कितने खाने हैं, 4 खानों की टेबल है या 5 खानों की या 6 खानों की टेबल है, तो इस तरह से हमें पत्रिका टेबल का भी ध्यान देना होगा। तो अब दूसरा आता है, डॉक्टर रंगनाथन महोदय कहते हैं कि इस तरह से व्यवस्था पर या व्यवस्था की जाए जिससे कि पुस्तकों की संख्या में वृद्धि होने पर पुस्तकालय के विकास में कोई कमी ना आए या पुस्तकालय के ग्रोथ में कोई भी कमी ना आए। तो उन्होंने इस तरह से उसमें 4 दिए थे। अब हम बात करते हैं पुस्तक के बाद में पाठक की। अगर पुस्तकालय में पाठकों की संख्या में वृद्धि होती है, पाठकों की संख्या में अगर हमारे वृद्धि होती है तो किस तरह से पुस्तकालय का विकास क्रम आगे बढ़ेगा? तो यहाँ पे उन्होंने एक टॉपिक दिया है, बिंदु दिया है, वाचनालय का आकार। कि पुस्तकों की संख्या में जैसे जैसे बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे पाठकों की संख्या में भी वृद्धि होगी। तो पाठकों की संख्या में अगर वृद्धि होगी तो पाठकों के पढ़ने के स्थान में भी हमें वृद्धि करनी होगी। तो वाचनालय का प्रकार, आकार और वहां का फर्नीचर इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए जिसमें प्रत्येक पाठक आराम से अध्ययन कर पाए। अगर हम बात करें वाचनालय के आकार की तो इसमें उन्होंने बताया कि पुस्तकालय में उपयोग प्रकाश की व्यवस्था हो, हवा की व्यवस्था हो तथा वाचनालय में प्रवेश द्वार एक हो, पुस्तकालय का प्रवेश द्वार तथा निकासी द्वार एक हो जिसमें कि पाठक उन पुस्तकों की चोरी या फिर पुस्तक को पुस्तकालय की खिड़कियों पर जाली, लोहे की महीन जालीदार जाली लगी हो जिससे कि पाठक उन पुस्तकों को बाहर सप्लाई ना कर सके। तो इस तरह से उन्होंने वाचनालय में दिया था। तथा दूसरे हम बात करें कि पाठकों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो
पुस्तकों के आदान प्रदान की प्रणाली। जैसे जैसे पुस्तकालय में विकास हो रहा है, बढ़ोतरी होती है, तो वैसे वैसे पुस्तकों की संख्या में वृद्धि तथा पाठकों की संख्या में वृद्धि। तो यहाँ पे हमारा वाचनालय का आकार तथा दूसरा आता है कि पुस्तकों के आदान प्रदान की प्रणाली हमें पहले से ही फिक्स की जाए कि इसमें हम किस तरह से नवीनतम का प्रयोग किया जाए, तकनीक का प्रयोग किया जाए। जैसे कि पहले पत्रक सूची से हम करते थे, दूसरा कि खाता बही प्रणाली या फिर वर्तमान में तो कहें बारकोड। तो हमें यह पुस्तकों के आदान प्रदान में पाठक का समय भी बचाना है और पुस्तकालय के विकास में, क्योंकि प्रत्येक पाठक को, जो भी पुस्तकालय में पाठक आया है, तो उसको नियत समय में उसको पुस्तक का आदान प्रदान हो तथा पुस्तकालय की वृद्धि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा पाए, तो हमें नवीनतम आदान प्रदान की प्रणाली को भी स्वीकार करना होगा। तथा तीसरी हम बात करें पुस्तकालय में सुरक्षा के उपाय भी। सुरक्षा के उपाय से हम बात करें कि पुस्तकालय में सुरक्षा के किस तरह से, क्योंकि पुस्तकों की संख्या में वृद्धि है, पाठकों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो हमारे यहाँ पे पुस्तकालय में पुस्तक चोरी में भी वृद्धि हो सकती है, जिसको हमें रोकने के लिए उपाय किए जाए, जिसमें पहला उपाय यह है कि पुस्तकालय में प्रवेश द्वार, एंट्री तथा निकासी एक ही मुख्य द्वार से हो। तथा इस द्वार पर आधुनिक तकनीक, हम कह सकते हैं कि RFID जैसे, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइस का प्रयोग हो, तो हम पुस्तक चोरी में कमी कर सकते हैं। तथा दूसरा उन्होंने बताया कि पुस्तकालय में उपलब्ध खिड़कियों में लोहे की महीन जाली लगी हो, जिससे कि पाठक पुस्तक को बाहर की तरफ न फेंक सके या सप्लाई न कर सके। तो हम ये तीसरा कि आग से बचने के मुख्य प्रबंध हो, पुस्तकालय में आग या अग्नि सम्यक यंत्र हो तथा मुख्य जो प्रवेश द्वार है वह एक ही हो। इस तरह से हमें यहाँ पे पुस्तकालय में सुरक्षा के विकास, सुरक्षा के उपाय की बात हुई। तथा अब हम बात करते हैं आगे कि हमने बात की है पुस्तकों की संख्या में वृद्धि की, तथा दूसरा हमने देखा पाठकों की संख्या में वृद्धि का, तो हम तीसरी यहाँ पे बात करते हैं कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। तो डॉक्टर रंगनाथन महोदय कहते हैं कर्मचारी की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो कर्मचारियों के बीच में नियंत्रण या कर्मचारियों का व्यवहार आपसी कर्मचारियों के कामकाज में एक कर्मचारी परिषद का गठन किया जाए।
अगर